कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, कोई इंसान आपको प्यारा लग रहा है, कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें बहुत खास बात नहीं है। जिस चीज़ को आप अच्छा कह रहे हो उस इंसान की या उस चीज़ की आप बढ़ाई चढ़ाई करके आप आपके दिमाग में पिक्चर बना रहे हो। हमें छाया में अंधेरे में भूत दिखाई दे रहा है, ये सब हमारी वहम और कल्पनाएं हैं जो हम रचते हैं हमारे दिमाग में, और उसी के आधार पर हम हमारे निर्णय करते हैं, हमारे नज़रिया बनाते हैं। आप चीज़ों को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो है। अगर आप वो नज़रिया अगर आपने पा लिया, आपने वो दृष्टि पा ली, तो आपका जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाएगा। अगर आपको जीवन सहज बनाना है तो आपको जीवन को थर्ड एंगल से देखना पड़ेगा। इंसान के मन का जो स्वभाव है वो ऐसा है, जो मिल जाता है उसमें घुल जाता है, उसी नज़र से दुनिया को देखने लगता है। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सवाल यह है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, बस इतना सा सवाल है। जीवन को जजमेंट करना है ना, वादी का आप वकील बनो ना प्रतिवादी का आप वकील बनो। आपके मन में दोनों भी एंगल है तो दोनों एंगल से मत सोचना, दोनों को अपनी अपनी बात रखने देना और थर्ड एंगल से विचार करना, यही जीवन का सार है। कि आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं में आप अगर इस तीसरे आयाम का आपने अगर विकास कर दिया तो फिर आपके जो मन में जो दिन भर जो उछल कूद चलती रहती है वो बंद हो जाएगी। किसी के बारे में कोई भी राय मत बनाइए। तो इसीलिए पूर्वग्रह दूषित जो दृष्टि है ना वो कभी सच्चाई को देख नहीं पाती। आपकी जीवन में आपकी दृष्टि को अब पूर्वग्रह से बचाइए और सहजता से जीवन जीने का मार्ग जो है वो समृद्ध कीजिए। तो सहजता से जीना है ना तो पहले से अपने दृष्टिकोण को क्या करो, संतुलित करो। दिमाग में पहले से कुछ राय मत बनाना, वो जैसे है वैसे उसको स्वीकार करो। तो शायद आपके साथ में कोई दुर्घटना भी घटे तो आप उसको सामना करने के लिए तैयार रहोगे। अगर पहले से आप डरे हैं तो आप पहले से ही मरे, बाद में मारने की कोई जरूरत ही नहीं। दोस्तों, आज मनुष्य का जीवन सहज नहीं रहा और जब तक वो सहज नहीं बनेगा उसे जीवन का सुख नहीं मिलेगा। देखिए, सावन के महीने में धूप और छांव का खेल रहता है, वैसे मनुष्य के जीवन में साल भर सुख और दुख का एक खेल चलता रहता है। तो कोई विरले लोग होते हैं जो इससे सहजता से पार हो जाते हैं, गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी वो एकदम सहज हो जाते हैं। चाहे कितने भी संघर्ष भरा माहौल हो, परिस्थिति हो, वो उसको बहुत सहजता से उसको वो संभालते हैं। ऐसा क्यों नहीं कि सब लोग इसे ऐसी सहजता से नहीं संभाल पाते? उसकी वजह है उनका नज़रिया, और ये जो नज़रिया है वह उनको सामने जो भी उनके सामने आ रही है उस चीज़ को वो डिस्क्रिमिनेट कर देता है। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, कोई इंसान आपको प्यारा लग रहा है, कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें बहुत खास बात नहीं है। जिस चीज़ को आप अच्छा कह रहे हो उस इंसान की या उस चीज़ की आप बढ़ाई चढ़ाई करके आप आपके दिमाग में पिक्चर बना रहे हो, उसके जो अच्छे गुण हैं उनको आप बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो आपकी कल्पना उन्हें, और जिस चीज़ को या व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते आप उसकी बुराई या बढ़ा चढ़ा कर आप आपके दिमाग में तैयार करते। तो नज़रिया उस चीज़ का या इंसान का जो एक इमेज है वो आपके दिमाग में बनाता है और उसी प्रकार आपका दिमाग जो है वो रिएक्ट करता है। समझ लीजिए, आपको कोई चीज़ आज अच्छी लग रही है, समझो कोई पदार्थ है वो आपको अच्छा लग रहा है, मीठा पदार्थ आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि उससे आपको सुकून मिलता है, आपके मुंह में तकलीफ नहीं होती और खाते वक्त बड़ा मज़ा आता है। जब आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है ये चीज़ खाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो तुरंत वो चीज़ आपको जहर लगने लगती। तो एक कहानी मैंने जो बताई थी एक बार,
कि अकबर के पास में बिरबल जो रहता था तो उसका मंत्री था, तो उसको भिंडी बहुत पसंद आई तो रसोइये को बुलाया और उसको बड़ा चढ़ाकर तारीफ की। किसने तारीफ की? बिरबल ने। और लगातार दो तीन दिन भिंडी की ही सब्जी बनाई गई। तो चार पांच दिन बाद राजा तो बोर हो गया, बोले क्या बार 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 भिंडी। एक दिन तो उसने वो खानसामा को बुलाया और ये खाने की प्लेट उसकी तरफ फेंक दी, इतना गुस्सा हो गया। इतने दिन वो भिंडी का प्रशंसा करने वाला बिरबल अचानक से पलटी हो गया और वो उसकी बुराई करने लगा। तो बिरबल भी चौंक गया, वो बोला अरे रुक रुक रुक, तू इतने दिन तक भिंडी की अच्छाई बता रहा था, उसके बड़े गुणगान कर रहा था और अचानक से तुझे क्या हो गया, तू भिंडी के नाम पर उस महाराज को, उस रसोइये को तू इतना गाली दे रहा है, उतना भला बुरा कह रहे हैं। तू कल तक तो भिंडी को बहुत बड़ा कर रहा था। तो बिरबल का जो जवाब है वो बहुत बढ़िया है, वो आज के समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहता है महाराज मैं आपका सेवक हूँ, भिंडी का नहीं। आप कहे भिंडी अमृत तो अमृत, आप कहे भिंडी जहर तो जहर, मैं तो आपका सेवक हूँ। जैसे आप सोचेंगे वैसा मैं आपको उसकी प्रशंसा करूँ या बुराई करूँ, या आपकी सेवा में हाजिर है। तो बिरबल जो है वो आपका मन है और अकबर खुद आप हो। जो भी घटनाएं घटती है तो उसमें जो भी हम उसका जो सार निकालते हैं वो हमारे नज़रिए से निकालते हैं, वो उसमें होता नहीं। जैसे कि हम बादलों को देख रहे, हमें बादलों में बड़े निराले निराले आकार दिख रहे, हमें रस्सी भी सांप दिख रही है, वो हमारे दिमाग में बन रही है। हमें छाया में अंधेरे में भूत दिखाई दे रहा है, ये सब हमारी वहम और कल्पनाएं हैं जो हम रचते हैं हमारे दिमाग में, और उसी के आधार पर हम हमारे निर्णय करते हैं, हमारे नज़रिया बनाते हैं। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं, आप चीज़ों को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो है। अगर आप वो नज़रिया अगर आपने पा लिया, आपने वो दृष्टि पा ली, तो आपका जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाएगा, जो आज नहीं है। आज लोग पाखंडी है, आज मुखौटे लेकर लोग घूमते हैं, घर पे एक चेहरा बाहर एक चेहरा, देने वालों के लिए एक चेहरा लेने वालों के लिए एक चेहरा। जब पैसे मांगने होते ना तो लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े आदर से सम्मान से बात करते हैं, और जब पैसे मिल जाते हैं ना लोग भूल जाते हैं इन्होंने हमें मदद की है। लोग जो है ना, या चीज़ें जो हैं वो जैसे है वैसे देखना शुरू करें आप, नहीं तो आप प्रशंसा के शिकार हो जाएंगे, आप तिरस्कार के शिकार हो जाएंगे। वो प्रशंसा भी झूठी है और वो तिरस्कार भी झूठा है। वक्त का तकादा है जो है, उस तरह से लोग बर्ताव करते हैं। जैसे पानी बह रहा है ना, उसी तरह से नदी का जो प्रवाह है वो बन जाता है। तो इसी तरह हमारा जीवन बहता जा रहा है, उसमें हमारा जो योगदान है कुछ भी नहीं है। अगर आपको जीवन सहज बनाना है तो आपको जीवन को थर्ड एंगल से देखना पड़ेगा। हम पहले एक एंगल बनाया अपना, एक दूसरा एंगल बनाया लोगों का, और तीसरा एंगल हमारे पास नहीं है। तो तीसरी आंख है, उस आंख से देखना बहुत ज़रूरी है। या तो हम अपनी नज़रिए से देखते हैं या हम लोगों की नज़रिए से देखते, लोग क्या कहेंगे, या तो मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है, मतलब या तो हमारे मन की बात चलती है या लोगों की बात चलती है, लेकिन आपकी बात कभी नहीं चलती। आप यानी जो ऊर्जा है अंदर, जो जीवन है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। सुनी तो मन की सुनी जाती है या तो लोगों की सुनी जाती है। ख्याल मन का रखा जाता है या लोगों का रखा जाता है, अपने जीवन का कभी ख्याल नहीं रखा जाता। तो अपना जीवन इन दोनों से भी परे है।
तो इन दोनों से जो परे है वो सहज है। अगर कोई गर्मी से आया है तो उसे नॉर्मल पानी भी ठंडा लगेगा, अगर कोई ठंड से आया है तो उसे नॉर्मल पानी गर्म लगेगा। पानी का कोई संबंध नहीं है, वो कौन से माहौल से आया उसी वजह से उसको क्या लग रहा है, अलग लग रहा है। अगर किसी ने मीठी चीज़ खा ली है पहले से, शक्कर खा ली है, और आप उसे अगर पेड़ा दे दो तो उसे पेड़ा कैसे लग रहा है, फीका लग रहा है, वो बोलता है मीठा नहीं है। या पेड़ा अगर खा लिया पहले फिर बाद में चाय दे दो, वो बोलता है नहीं ये चाय तो फीकी है, बाकी लोग बोल रहे हैं मीठी है, और जिसने पेड़ा खाया है वो बोलता है फीकी है। तो चीज़ें जैसी है वैसे हम अनुभव नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। ये मनुष्य की एक विडंबना है, तो इस विडंबना की वजह से वो दुख में रहता है। अगर उसे अनुकूल माहौल मिला तो उसे सुख लगता है, उसे प्रतिकूल माहौल मिला तो उसे दुख लगता है। तो सद्गुरु जो आज हमें बता रहे हैं, हमारे पास में सहजता की शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। जब भी हम ध्यान करते हैं ना, या कोई काम करते हैं तो उसमें डूब जाना चाहिए, या ध्यान करते हैं ना तो हमें कुछ नहीं करना है। ध्यान मतलब क्या, कुछ नहीं करना है। सबसे मुश्किल काम अगर आज है किसी के पास तो वो क्या है, कुछ नहीं करना, बराबर है। तो वैसे ही जब आप किसी चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ में आप जुड़ रहे हो, तो आपको बड़ी सहजता रखनी चाहिए। उसके बारे में पहले से ही कोई राय मत बनाना, या लोगों से पूछकर उसकी कोई इमेज ना बना देना, इससे आपका जीवन जो होता है ना वो दूषित हो जाता है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा, ऐसा हो गया है। इंसान के मन का जो स्वभाव है वो ऐसा है, जो मिल जाता है उसमें घुल जाता है, उसी नज़र से दुनिया को देखने लगता है। अगर आपके पास में अगर कोई शातिर दिमाग वाला इंसान आ गया तो आपको हर चीज़ को शंका की नज़र से देखने को सिखाएगा। आपके पास में अगर कोई पैसे का लोभी आ गया तो आपको पैसे का लालच आपके अंदर पैदा करेगा। आपके पास में कोई प्रेम भरा व्यक्ति आ गया तो आपको हर चीज़ से, हर व्यक्ति से प्रेम करना सिखाएगा। आपको अगर ईमानदार इंसान से आपका संपर्क आ गया तो आप उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर आपको ईमानदारी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन गलती से अगर आपका किसी चोर गुंडे से, उचक्के से अगर संबंध आ गया तो वो आपको पूरा सिखा देगा कि चोरी करना कितना ज़रूरी है। आप शराबी से मिलना कभी, उसके दृष्टिकोण से दुनिया को देखना, फिर वो आपको बताएगा कि जीवन कितना दर्द भरा है, तो शराब पीनी कितनी ज़रूरी है, वो आपको पूरे सिखाएगा। वो आपको जन्नत दिखाएगा, वो बोलेगा तू क्या स्वर्ग में जाता है, मैं तो जीती जी स्वर्ग का आनंद लेता हूँ। तो उसका नज़रिया है, उस नज़र से वो दुनिया को देख रहा है। तो ऐसे ही लोग हैं, आप जिस प्रकार के स्वभाव के लोगों से मिलेंगे उस तरह का आपका स्वभाव बनेगा, आपका दृष्टिकोण बनेगा, और उसी दृष्टि से आप दुनिया को देखेंगे। किसी भी दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो वो सही मायना नहीं होता। आपका कैमरा है उसके ऊपर आप अगर कोई कलर की लेंस लगा दो, या कोई कलरफुल आप चश्मा पहन लो, तो आपको पूरी दुनिया उसी नज़र के दिखाई देती। तो यही जीवन है। जीवन के अंदर अगर आपको सहजता लानी है तो आपको इन सभी दृष्टिकोणों से अलग होना पड़ेगा, और एक निरपेक्ष दृष्टि आपको तैयार करनी पड़ेगी। वो कब आएंगी, जब आप पहले से ही राय बनाना बंद कर देंगे, बराबर। छोटा बच्चा होता है उसके पास में कोई राय नहीं होती, तो आपकी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। तो सद्गुरु आज हमें जो बता रहे हैं, हर चीज जो जैसी है उसे वैसे ही देखो। अगर किसी को प्याज अच्छा लगता है तो वो प्याज के बड़े गुण गाएगा, बराबर है। लेकिन आप अगर किसी जैन मुनि के पास या किसी जो ओम शांति परिवार है उनके पास जाएंगे आप, तो आपको वो प्याज के बड़े अवगुण बताएंगे।
तो प्याज को प्याज की नज़र से देखें तो पता चले कि प्याज क्या है, नहीं तो अगर उसकी बुराई करेंगे तो उसकी सिर्फ बुराई दिखेंगी, उसकी अच्छाई करेंगे तो सिर्फ उसकी अच्छाई दिखेंगी, बराबर है। तो वैसे ही है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सवाल यह है कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, बस इतना सा सवाल है। अगर आपको ज़रूरत है तो उसे यूज़ करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे नज़रअंदाज करो। उसकी बुराई या भलाई करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं नहीं उसको चाहता तो उसकी बुराई करना क्या ज़रूरी है? अगर किसी इंसान की आपकी नहीं जमती तो नहीं जमती, छोड़ दीजिए। उसकी बुराई करना कोई ज़रूरी है? नहीं, उसकी बुराई करेंगे तभी पता चले कि आप अच्छे इंसान हो। तो यही सार है इस चर्चा का कि हमारे अंदर जीवन को सहज करने की अगर क्षमता आ गई तो हमारा जीवन सरल बन जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई इंसान है उसको हम बड़ा चढ़ा के हमारे दिमाग में उसकी क्या बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं। और बाद में अगर उसकी कोई अगर बात हमें खटक गई या कोई चीज़ हमारे मन के विपरीत हो गई, हम उसके दुश्मन बन जाते, बुराई करने में हम सबसे आगे हो जाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो कोई गारंटी नहीं, आज जिस चीज़ को आप अच्छा कह रहे हो, जिस इंसान को आप अच्छा कह रहे हो, आज कल जाकर भी आप उसे अच्छा कहोगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप देख रहे हैं कि एसीटी वैदिक में आप लोग कितना ज़बरदस्त आज आम के फल बन रहे, सेब बन रहे, अनार बन रहे, मूंगफली बन रही है, प्याज बन रहे, सब अनाज, सब तरह के खेती के उत्पाद सुंदर बन रहे। फिर भी कुछ लोग पहले साल दूसरे साल यूज करते, तीसरे साल में गायब हो जाते, उनका नज़रिया बदल जाता है, उसे जैसे है वैसे वो देख नहीं पाते। तो अगर आपको हर तरह के वातावरण में आपको अगर संतुलित रहना है, स्थिर रहना है, तो आपको उस चीज़ को जैसे है वैसे देखने की कला सीखनी चाहिए, वो क्षमता निर्माण करनी चाहिए, वो शक्ति पैदा करनी चाहिए। अगर आपके पास में वो शक्ति, वो दृष्टि अगर नहीं आएगी तो जीवन भर आप झूठी और गलत दुनिया में रहेंगे, जो आपकी बनी बनाई काल्पनिक दुनिया में रहेंगे। और जब तक आप आपकी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं तो आप जीवन को बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं सीखेंगे, ऊपर से जीवन को और पेचीदा बना देंगे। क्यों? रिश्तों में हो या आपके अनुभव में हो, जो भी चीज़ें आ रही है वो चीज़ें आपको वैसे की वैसी नहीं दिख रही है, दूसरों को अलग दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है। जैसे कि किसी ने बताया, अगर आपके बीच में अगर 6 है तो सामने वालों को 9 दिख रहा है और आपको 6 दिख रहे हैं। हाँ, तो अगर 66 है तो सामने वालों को 99 दिख रहे हैं, आपको 66 दिख रहे हैं। तो ये जो नज़रिया है, वो नज़रिया अगर आपको ठीक करना है तो आपको दोनों भी तरफ से अलग जाना पड़ेगा। और दोनों आयामों से जब आप तीसरे आयाम में चले जाओगे तभी आपको उन चीज़ों को सहजता से देख सकते हो। सही है? तो आज से आप एक चीज़ करना, कभी भी अगर जीवन में किसी व्यक्ति से मिलना हो, किसी चीज़ से आपका अगर सामना हो, तो उससे थोड़ा दूरी बनाना, उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसे देखना, थोड़ा वक्त जाने देना, फिर उसके बारे में सोचना, राय बनाना, अनुभव करना, तो आप सच के करीब करीब आओगे। पूरा सच तो नहीं पता, लेकिन सच के करीब आओगे। और जितने आप सच के करीब आओगे उतना आपका जीवन सहज हो जाएगा, जितने आप सच से दूर जाओगे उतना आपको ज़्यादा झटके मिलेंगे, जीवन के उतार चढ़ाव मिलेंगे। और वो सब उतार चढ़ाव, वो सब झटके आपके अंदर पैदा हो रहे, बाहर कहीं दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आपके अंदर हो रहा है। जब किसी का विश्वासघात होता है तब दर्द बाहर होता है या अंदर होता है? पहले विश्वास रखा,
ये ऐसा है, वे वैसा है, फिर वो टूट गया, तो मतलब बनाया भी आपने और उसको डुबा भी आपने दिया। तो बनाने का आपने जो अनुभव किया वो जब ढह जाता है तो उसके खोने का दर्द भी आप पैदा करते हो। तो किसी के बारे में कोई राय ही मत बनाना, किसी के बारे में कोई दृष्टिकोण ही मत बनाना। जो जैसा है वैसा देखो, आपके अंदर से कोई प्रतिक्रिया मत करो। आपके अंदर से जो भी आपके विचार आ रहे हैं, आपके मन से जो भी भाव पैदा हो रहे हैं, उनको उसके ऊपर हावी ना होने दो। तो आपको सामने वाली चीज़, सामने वाला मनुष्य, इंसान आपको जैसे के वैसा दिखेगा। ऐसे बोलते हैं ना, आप थर्ड एंगल से आप देखने की कोशिश करना। कभी भी आपने देखा है, आप कभी कोर्ट में जाना तो इस तरफ आरोपी होता है, इस तरफ उस पर आरोप करने वाले होते हैं, और दोनों जो अपनी अपनी बातें रखने वाले जो लोग होते, उनसे थर्ड एंगल में बैठा होता जज होता है। आप जीवन में जज की तरह निरपेक्ष रहो, आप तभी जजमेंट कर पाओगे, नहीं तो जीवन को जजमेंट करना बहुत मुश्किल है। जीवन को जजमेंट करना है, ना वादी का आप वकील बनो, ना प्रतिवादी का आप वकील बनो। आपके मन में दोनों भी एंगल है, तो दोनों एंगल से मत सोचना। दोनों को अपनी अपनी बात रखने देना और थर्ड एंगल से विचार करना, यही जीवन का सार है। कोई भी घटना घटी, किसी के बारे में भी आपके मन में कुछ दुख पैदा हो गया, कुछ विश्वासघात हो गया, तो आपको इस थर्ड एंगल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप इस कला को सीख गए, उस शक्ति को, अपनी क्षमता को पा लिया, उस दिन से आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में जो दिन भर जो सवाल, जो सोच, जो विचार मक्खियों की तरह घूमते रहते हैं, भनभनाते रहते, वो बंद हो जाएंगे। आज हर एक के दिमाग में विचार भनभना रहे, और जो विचार हैं वो भावनाओं से जब जुड़ जाते हैं ना, तो वो या तो सुकून देते हैं या चुभते हैं। अगर अच्छे हो तो सुकून देते हैं, और वही विचार जब नेगेटिव हो जाते हैं तो वो चुभते हैं कांटों की तरह, और वो जख्मी करते हैं अंदर से। शायद जख्म इतना दर्द ना दे, इतने मन के दुख दर्द करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे मन में उसके बारे में हमने क्या किया है, वो भाव पैदा किए। तो इसीलिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि आपका जीवन बहुत सरल है। पहले आपके दिमाग में किसी को बहुत बड़ा चढ़ा कर जगह देते हो, फिर बाद में उस जगह को खाली करते हो, तो इसी से ये दुख पैदा होता है। आपने खुले दरवाजे की तरह आपका घर रखना, आपका मन रखना, आना है आने दो, जाना है जाने दो, दरवाजा हमेशा खुला रखो, तो आपका जीवन सहज बनेगा। निर्णय मत करना, आपकी कोर्ट में सब केसेस आएंगे, मन वकालत करेगा, आप सिर्फ सुनना, उसकी बातों में फंस मत जाना। हमेशा आप देखें कभी जो न्यायाधीश होते हैं वे कैसे रहते, हमेशा शांत रहते। फिर हमारे अंदर न्यायाधीश कौन है, हमारा जीवन ही न्यायाधीश है, सही है ना? तो आपके जीवन को उस न्यायाधीश के एंगल से देखना, शांति से बस देखना, कुछ करना नहीं। न्यायाधीश कभी खुद कुछ नहीं करता है, उस बस देखता है, साक्षी रहता है। तो आप अगर जीवन में साक्षी बन गए ना, तो साक्षी बनना मतलब क्या है, कोई घटना घट रही है तो उस घटना को सिर्फ देखना, बस देखना, ये साक्षी भाव है। और इस साक्षी भाव से अगर आप जीवन को देखेंगे तो हर चीज आपको जैसे कि वैसी दिखेगी। बराबर है? जब दो लोग झगड़ते हैं ना, तब उन झगड़े में हम तीसरे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि गलती किसकी है, लेकिन हम उनको समझा पाते हैं क्या? समझा पाते हैं? एक दूसरे पे वो मारने मरने पर उतार हो जाते हैं। अगर हम बीच में गए तो हमारा कचुंबर बनाएंगे, सही है गलत है? हाँ, इसलिए जज ऊपर बैठा होता है, वो नीचे नहीं आता कभी। हाँ, जज को हमेशा ऊपर बिठाते हैं।
इन दोनों का झगड़ा हो जाए तो वो ऊपर से देखे, उसका रास्ता भी अलग होता है। हेलो, समझ आई बात? तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि आपको नज़रिया नहीं बनाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हर किसी के बारे में हम एक फिक्स नज़रिया बना देते। ऐसा मत करिए, जीवन को जैसा है वैसा देखिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो सद्गुरु का जो कहना है कि आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में आप अगर इस तीसरे आयाम का आपने अगर विकास कर दिया, तो फिर आपके जो मन में जो दिन भर जो उछल कूद चलती रहती है वो बंद हो जाएगी। किसी के बारे में कोई भी राय मत बनाइए, ये राय बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता चलता है हमेशा कि बाद में आप गलत साबित होते हो। ऐसा कितनी बार हुआ आज तक कि किसी के बारे में हमने राय बनाई और बाद में वो क्या साबित हुई? गलत साबित हुई, हमें पश्चाताप हुआ। लेकिन तब तक क्या हो गया, वक्त हाथ से निकल गया। ऐसे होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि हम झगड़े करते हैं और झगड़े करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने जिस वजह से झगड़ा किया वो बात ही गलत थी। लेकिन तब तक तो वक्त निकल चुका है, जो नुकसान होना है वो हो चुका है। तो इसीलिए हमारा जीवन सहज नहीं रह पाता। बच्चे देखिए, किसी दो परिवार की अगर दुश्मनी है तो बच्चों को पता नहीं होता, वो चले जाते हैं एक दूसरे के घर में, अंदर चले जाते हैं। फिर बड़े होते हैं ना, वो उसको धमकाते हैं, ए उधर नहीं जाना। हाँ, ऐसा होता है ना, ऐसा है, इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, इसका मत खाना, उसका मत खाना, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से क्या बनाया, एक राय बनाई, एक नज़रिया बनाया, एक दृष्टि बनाई। तो इसीलिए पूर्वग्रह दूषित जो दृष्टि है ना, वो कभी सच्चाई को देख नहीं पाती। आपकी जीवन में आपकी दृष्टि को अब पूर्वग्रह से बचाइए और सहजता से जीवन जीने का मार्ग जो है वो समृद्ध कीजिए। अगर सहजता आपको, कौन है यहाँ पर जो टेंशन फ्री नहीं रहना चाहता, आराम से नहीं रहना चाहता, शांति से नहीं रहना चाहता, ऐसा कोई यहाँ पे है? सभी को शांति चाहिए, सभी को आनंद चाहिए, सभी को टेंशन नहीं चाहिए किसी को भी, फिर भी पैदा करते हैं। कौन पैदा करते हैं टेंशन? कौन पैदा करता है? हम पैदा करते हैं खुद। और वो टेंशन का जो बेस है ना, उसका जो निर्माण होता है वो यहाँ से होता है, हम हर चीज़ को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो अपनी ऐसी कोई दृष्टि नहीं होती, बस दृष्टि होती है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, मालूम है, पहली बार जो कोई अगर साइकिल चलाता है या कोई पहली बार अगर पानी में तैरने गया तो क्या वो सहजता से तैर पाता है, साइकिल चला पाता है? उसकी साइकिल कितनी हिलती है, अब गिरा कि अब गिरा। जब पानी में जाता है वो कब डूबेगा, उसको लगता है मैं डूबने के लिए ही अंदर आया, तो हाथ पैर वो इसलिए हिला रहा है कि उसे बचना है, लेकिन वो हाथ पैर ऐसे हिलाता है कि वो डूब जाता है। क्यों? और जो तैराकी जानता है, जो साइकिल चलाना जानता है, वो साइकिल पे ऐसे ही बैठ जाता है, हैंडल छोड़ देता है, गप्पे मारता है, मोटी स्टाइल मारता है, बड़ी मारता है कि नहीं? तो क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? ये एक तो सहजता से कर रहा है और एक तो बड़ी मुश्किल से कर रहा है और बड़ी मुश्किल में है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पहली बार साइकिल चलाता है ना, वो पहले ही सोचता है मैं गिरूंगा, ये साइकिल मुझे गिराएगी। क्यों गिराएगी? क्योंकि मैंने साइंस सीखा है, साइंस में मुझे ये सीखा है कि दो पहियों पे कोई चीज़ खड़ी नहीं रह सकती, उसको तीसरा चाहिए या चौथा चाहिए, सही गलत है? या कोई तैरने जाता है अंदर ना पानी में, तो वो क्यों डरता है? वो ऐसे डरता है कि मैं डूबूंगा, क्योंकि उसने आज तक जितने लोग हैं वो देखे हैं कि पानी में डूब कर क्या है, मरे हैं। उसके दिमाग में वही है, पानी के बारे में उसकी राय क्या है कि पानी में जाकर लोग डूब कर क्या होते हैं, मरते हैं, साइकिल से लोग गिरते हैं, बस ये उसके दिमाग में है, इसलिए वो सहज नहीं हो पाता। लेकिन जब वो तैरने में माहिर हो जाता है ना, तो उसे पता है कि इंसान का शरीर पानी के ऊपर तैरता है, वो उसे पता है, तो उसे पता है कि ये आराम से तैरता है क्योंकि वो हल्का है। पानी में डूबने वाला डर की वजह से खुद को डुबाता है, पानी उसे नहीं डुबाता, क्योंकि पानी से शरीर हल्का ही होता है। कैसे? इसका प्रमाण ये है, जब वो मर जाता है ना, तो उसकी जो डेड बॉडी है ना वो ऊपर आ जाती है,
मरे हुए मनुष्य की जो डेड बॉडी है वो कहाँ तैरती है? पानी के ऊपर। अगर मरे हुए इंसान की बॉडी अगर पानी के ऊपर तैर सकती है इतनी सहजता से, तो जिंदगी क्यों नहीं तैरती भाई? क्योंकि वो खुद इस दृष्टिकोण से जाता है कि पानी में लोग डूबते हैं और वो सही कर देता है उसको। शरीर का काम ही है ये, आप उसे ऑर्डर करो वो सही कर देता है उसको। असंभव को भी संभव बना देता है शरीर आपका, तो उसे आप जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे वो करेगा। आप पहले से दृष्टिकोण लेके गए साइकिल से गिरेगा तो गिरता है। तो शरीर की बड़ी कला है। आप सुबह से शाम तक एक बात करना, खुद से बोलना, मेरे को चक्कर आ रही है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे चक्कर, ऐसा बोलना, बस बस बोलते रहना। कोई भी मिल गया उसे बोलना, अरे मेरे को चक्कर आ रही है, मुझे चक्कर, ऐसे बोलना 10-15 बार दिन भर में बोलना, शाम को आपको चक्कर आएंगे, आप गिरेंगे। हेलो, इतनी ताकत है हमारे ब्रेन में, इसे आत्मसम्मोहन कहते हैं, खुद को सम्मोहित करते हैं, ये ताकत है और उसे वो सच बना देता है, सही है ना? तो कोई अगर कार भी चलाता है, नए नए कार सीखने के लिए कोई जाता है ना, तो आप बोलेंगे वहाँ तो 4 पहिए होते, फिर क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता है मैंने एक बार में जीवन में एक ही चीज़ को हाथ लगाया है, ये इधर स्टेयरिंग चलानी है, उधर गियर डालना है, इधर ब्रेक भी लगाना है, वहाँ पे एक्सेलरेटर भी देना है, वहाँ क्लच भी है, और मेरे पास में तो 4 ही आइटम है और चीज़ें तो 5 है, हा? तो इन्हें संभालू कैसे? मैंने आज तक कभी जगलिंग मैंने कभी की नहीं, एक ही साथ में मैंने 4-5 गेंदों को कभी उछाला नहीं, और एक साथ में मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर पाऊँगा? तो नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये पहले से उसने क्या कर लिया, दिमाग में डाल दिया है। इसी तरह हम पहले से जब नज़रिया बनाते हैं ना, तो पहले लोग आते हैं हमारे जीवन में, नए लोग आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अरे लोग बहुत बदमाश होते हैं, ऐसे हमें सिखाया घर से, दूसरों पर विश्वास मत करना, हमें घर से कभी सिखाया क्या ऐसे सब लोगों पर विश्वास करना बेटा, ऐसा कभी सिखाया? किसी के घर में सिखाया हो तो मुझे बता देना, कभी सिखाते क्या? फिर घर में क्या सिखाते? सावधान रहना। जब पहली बार अगर गांव जाते हैं ना, तो अगर कोई लेके जाते हैं सामने से 100-200 रुपए भी हो, ऐसे छिपा छिपा के ऐसे उसको पकड़ पकड़ के बैठ खड़े रहते, क्यों? क्योंकि घर से पता है, अरे चोर उचक्के से सावधान रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग पॉकेट मार देते हैं, तो हम आदमी हर आदमी की तरह हम कैसे देखते हैं, ये तो कहीं पॉकेट मार तो नहीं, ये तो कहीं गुंडा तो नहीं, हेलो, ऐसे होता है ना? तो यही बात करें, हम सहज क्यों नहीं हो? जैसे हमारे पहचान वाले एरिया में हम सहज रहते, लेकिन जब हम अनजाने एरिया में चले जाते ना, हम असहज हो जाते, क्यों? क्यों पहले से तय करते हैं ये डेंजर है, ये एरिया डेंजर है, तो सहजता से नहीं जा पाते। तो सहजता से जीना है ना, तो पहले से अपने दृष्टिकोण को क्या करो, संतुलित करो, दिमाग में पहले से कुछ राय मत बनाना, वो जैसे है वैसे उसको स्वीकार करो, तो शायद आपके साथ में कोई दुर्घटना भी घटे तो आप उसको सामना करने के लिए तैयार रहोगे। अगर पहले से आप डरे हैं तो आप पहले से ही मरे, बाद में मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप अगर किसी एग्ज़ाम में गए और पहले से आपने तय कर लिया कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, तो आप क्या खाक लिखोगे? हाँ, जो भी लिखोगे आप फेल ही हो जाओगे। तो आप पहले जो तय करते हैं ना, वो बात गलत है, ना अच्छा तय करो ना बुरा तय करो, जो है वैसे उसके रहने दो। तो आप किसी के बारे में कुछ भी मत सोचिए, चीज़ की चीज़ हो या इंसान हो या परिस्थितियाँ हो, सबको आप समान दृष्टि से देखिए, तो जीवन जैसे है वैसे आपको नज़र आएगा और आपके जीवन में शांतता और सहजता आएगी। धन्यवाद।